नमस्कार दोस्तों, जिस तरह की हमने देखा है कि अभी बीजेपी और पीडीपी गवर्नमेंट जो थी हमारे स्टेट में, उसका एंड हो गया हुआ है। किस तरह से बीजेपी ने जो है पुल आउट कर लिया स्टेट गवर्नमेंट से और पीडीपी को अकेला छोड़ दिया इस हालात को संभालने के लिए। इसी मसले में हम बात करेंगे अभी नेशनल पैंथर पार्टी से, बलवंत सिंह मनकोटिया जी से। मनकोटिया जी, हम अपनी उनका स्वागत करते हैं। सर, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? पहला तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी ने गठबंधन छोड़ा नहीं, बीजेपी अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के भाग गई है। धूम धमा के बीजेपी भाग गई है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में विफल हुई है, पूरे तरीके से फेलियर हुआ उसका। और ये गठबंधन जो है, ये तो सारी दुनिया जानती थी कि ये गठबंधन ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, लेकिन जितनी देर ये चला उतनी देर रियासत जम्मू कश्मीर की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी इस गठबंधन सरकार की हुई है। और जितना तबाही और बर्बादी की है इस गठबंधन में, शायद कई वर्ष लग जाएंगे इसकी भरपाई करने में। और सिर्फ इन्होंने सत्ता की खातर ये गठबंधन किया था, कुर्सी की खातर, और इस सत्ता ने बहुत बड़ा नुकसान जम्मू कश्मीर का कर दिया है। और आज हम यही कहना चाहेंगे, कश्मीर में हालत बद से बदतर हो गए हैं। जम्मू के हालात की अगर बात करें कि बीजेपी की जो जिम्मेदारी थी, और 70 वर्षों से जम्मू के लोग इंतजार में थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो हमारा 70 वर्षों से हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसमें एक एक धेले का हिसाब हमारे साथ होगा। लेकिन जो बीजेपी ने जम्मू के लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जम्मू के लोगों का मनोबल जो बीजेपी के 3 साल के कार्यकाल में गिरा है, शायद ये 70 वर्षों में कभी ऐसा नहीं गिरा। इसकी एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस तरीके से कठुआ के रसाना के अंदर लोग एक सीबीआई की जांच कर रहे थे, लेकिन 4 महीने से लोग सड़क पे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप बात करें जम्मू के जितने भी मसले, बीजेपी की कमिटमेंट 70 वर्षों थी, उसमें अगर आप बात करें बेस्ट पाकिस्तानी जो रिफ्यूजीज हैं उनका सिटीजनशिप राइट की बात की, उनको आज तक नहीं देने में विफल रहे। 5 मरले का प्लाट बॉर्डर के लोगों को देने में विफल रहे, पक्का बंकर बनाने में ये विफल रहे। इसी तरह से अगर हम बात करें कि यहाँ डिलिमिटेशन कमीशन की बात करें कि जम्मू की असेंबली की सीटें बढ़ाएंगे, असेंबली की सीटें बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, जो रिजर्व थी उनको रोटेट करने में भी ये विफल रहे, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 10 साल से ज्यादा किसी सीट को आप रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन जम्मू में 30-30 वर्षों से सीटें असेंबली की रिजर्व है, उसको रोटेट भी नहीं आप कर पाए। अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो केंद्र से आज भी अगर 1 रुपया आता है, 80 पैसे कश्मीर में लगाया और 20 पैसे जम्मू को मिला। और खुद राम माधव जी अपनी 15 मिनट पहले की स्टेटमेंट में, ब्रेकअप वाले स्टेटमेंट में कहते हैं कि ये हम पूरी तरीके से हमारी सरकार विफल हुई है और जम्मू और लद्दाख को हम उसका हिस्सा नहीं दिला पाए हैं। अगर आप 3 साल में नहीं दिला पाए तो फिर कौन सा अलादीन का चिराग आपके पास आएगा और हमें हिस्सा दिलाएगा, जबकि आपके 25 MLA बना के भेजे, बराबर की हिस्सेदारी आपकी सरकार में थी और केंद्र में आपकी सरकार जो पैसा देती थी जम्मू कश्मीर को, आपकी सरकार थी, तो फिर भी आप कहते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर, जम्मू और लद्दाख को इंसाफ नहीं दे पाए, तो फिर इससे बड़ा कहना क्या कि खुद जो सरकार में पार्टी थी वो ये खुद कह रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू के साथ नाइंसाफी कितनी हुई होगी। तो कहने का मतलब है कि जम्मू के साथ नाइंसाफी का दौर जो था 70 वर्षों में हुआ ही हुआ, लेकिन जब बीजेपी ने नाइंसाफी का दौर बढ़ाया और जम्मू के लोगों का मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, जम्मू के डोगरों का जो मनोबल गिराया, वो शायद उसको मनोबल को दोबारा उसको गेयर अप करने में कई वर्ष लग जाएंगे। और ये इसका जवाब है जो बीजेपी को, जम्मू की जनता को देना होगा और आने वाले चुनाव में भी बीजेपी को इसका हमेशा भुगतना होगा। मनकोटिया जी, कहीं ना कहीं हम देख रहे थे किस तरह से बीजेपी की साख जो है जम्मू के लोगों में, जो उसकी हमेशा से एक स्ट्रांग एरिया रहा है, जम्मू हमारे स्टेट में बीजेपी को सपोर्ट करता रहा है, कहीं ना कहीं उसकी साख जो थी वो कम हो रही थी टाइम के साथ, क्योंकि जैसे आपने बताया कहीं ऐसे इन्होंने वादे जो किए थे जनता के साथ वो पूरे नहीं हो पाए इनसे, जैसे आपने बॉर्डर की बात की, जैसे आपने डिलिमिटेशन की बात की आपने, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपने साख बचाने के लिए, थोड़ी इज्जत रखने के लिए बीजेपी ने ये डिसीजन लिया? देखिए, साख तो नहीं बचा पाएंगे, क्यों नहीं बचा पाएंगे कि आप अगर महबूबा की कैबिनेट में आपके मंत्री, बीजेपी के मंत्री उस कैबिनेट में ये फैसला लेते हैं कि मिलिटेंट को सरेंडर करने पे 6 लाख रुपया दिया जाएगा जो रिफंडेबल नहीं होगा, आपकी कैबिनेट में आपके मंत्री ये फैसला करते हैं कि मिलिटेंट को SRO 43 में उसके परिवार को नौकरी दी जाएगी, आपके मंत्री कैबिनेट में ये फैसला करते हैं कि जो सरेंडर मिलिटेंट है उसको 4,000 महीने का भत्ता दिया जाएगा, आपकी आंगनबाड़ी की वर्कर जम्मू में पिछले 5 महीनों से सड़क पे हैं उसको आप 3600 रुपया महीने का देते हो और सुबह 9 से शाम के 5-6 बजे तक काम करती है और 5 महीने से सड़क पे है, 8 महीने से 10 महीने से उसको सैलरी है, उसको आप 3600 रुपये देते हैं, लेकिन मिलिटेंट जिसने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, फौजियों का कत्ल किया
उसको आप 4,000 रुपया महीने का देंगे, और कौन कौन इसको अप्रूव करता है? जम्मू के मंत्री जो बड़े बड़े आज जम्मू के बड़े अपने आप को लीडर मानते हैं, वो कैबिनेट में अप्रूव करके आते हैं। आप हर फैसला महबूबा को 1097 पत्थरबाजों को वन वो में आप रिलीज करते हो, आप यूनिलेटरल सीज फायर का फैसला करते हो, और आप एक रसाना मामले में सीबीआई जांच नहीं करवा सकते। आप कहते हैं महबूबा हमारी बात नहीं मानती। तो हम ये कहना चाहेंगे कि जम्मू के लोग अब ये समझ चुके हैं कि बीजेपी ने 70 वर्ष तक उनको धर्म के नाम से एक्सप्लॉइट करके उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक पहुंचना था, और सत्ता में पहुंच के जिस तरीके से मनोबल गिराया है, जम्मू के लोगों का मान सम्मान गिराया है, जम्मू के लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, और जम्मू के लोग उसको कभी भूलेंगे नहीं, ये हम कहना चाहेंगे। और ये जो बीजेपी के जहन में जो बात है कि हम लोगों को दोबारा ही गुमराह करेंगे कि आपको इंसाफ नहीं दिला सके, तो आप इसके ज्यादा ना तो आपको कभी सीटें मिल पाएंगी, और इससे ज्यादा जम्मू के लोग आपसे उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं मीडिया में ये खबरें भी हैं मनकोटिया साहब कि क्या पीडीपी को बचाने के लिए कांग्रेस और एनसी इकट्ठे होकर सामने आएंगे, इसमें क्या कहेंगे? आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है हमारे प्रदेश में? मुझे नहीं लगता आपको गुंजाइश बची है, क्योंकि जब एक शुरुआत में पीडीपी को ऑफर था एनसी और कांग्रेस का था, लेकिन उस टाइम नहीं माने, तो उनको लगा कि दिल्ली में जाने से ज्यादा बेहतरी होगी। तो अब इस स्टेज पे रियासत पहुंची है जिसको वापस लाना इतना आसान नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अगर पॉलिटिकल मैच्योरिटी बीजेपी कांग्रेस और एनसी की लीडरशिप में होगी तो मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में वो पीडीपी को सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये सब प्री डिफाइंड था, दिसंबर में इलेक्शंस हैं बाकी 2-3 स्टेट्स में, हमारी नेशनल बाकी स्टेट्स में, कहीं ना कहीं 6 महीने का गवर्नर रूल लगा के जम्मू कश्मीर में भी अर्ली इलेक्शंस कॉल करी जा सकती हैं। ये बीजेपी का एक प्लान जो बाकी जो लोग बता रहे हैं इसके बारे में, बाकी पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही हैं इसके बारे में। देखिए सोशल मीडिया पर आपने देखा इनका सीज फायर का जो लेटेस्ट जो फैसला था उसका बहुत ज्यादा खिंचाई लोगों ने की है, बहुत बड़ा अपोजिशन पूरे देश भर में रिएक्शन जो लोगों ने दिया है, और अब इनको लगा कि अगर इस तरीके से गठबंधन रहा और महबूबा हर फैसला इनसे मनवाती रही 3 साल में, आगे भी मनवाएगी, अब उनको लगा कि आगे भी चला तो हमें जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे देश भर में हमें पार्लियामेंट चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, उस नुकसान को बचाने के लिए, हालांकि नुकसान तो इनको होगा ही होगा, वो नुकसान की भरपाई नहीं होगी, इनकी गलतफहमी है, लेकिन आगे और बहुत बड़ा नुकसान जो होने की इनको लगता था उसको बचाने के चक्कर में इन्होंने ये सत्ता छोड़ के ये भागे हैं, और सत्ता छोड़ के भागना मुझे लगता है कि ये कायरता है, और बीजेपी ने कायरता दिखाई है, और बीजेपी इस अपना जो है अपना जो जो कर्तव्य है उसको निभाने में विफल हुई है। और पहले तो उनको ये गठबंधन करना विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड को अप्लाई किए अगर आपने गठबंधन कर दिया और फिर आप चला नहीं पाए, फिर छोड़ के भागे, और इसलिए भागे कि आपको पार्लियामेंट में दोबारा से लोगों को बेवकूफ बना के पार्लियामेंट का चुनाव जीतना है, तो लोग इतना लोग बेवकूफ नहीं है देश, और जम्मू के लोग जो देशभक्त लोग हैं वो सारा समझते हैं, और इसका जवाब बीजेपी को डेफिनेटली देना पड़ेगा। तो ये थे नेशनल पैंथर पार्टी से बलवंत सिंह मनकोटिया जी हमारे साथ, जिन्होंने अभी बताया किस तरह से ये जो डिसीजन लिया गया बीजेपी से जल्दी में डिसीजन लिया गया, और किस तरह से ये जो है कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा बीजेपी के लिए, रादर ये एक तरह से उनके पांव पे कुल्हाड़ी वाला जो मुहावरा बोलते हैं वही उनके लिए साबित होगा। कैमरामैन मनु के साथ आशीष कपूर, दर्थ न्यूज।